सुनते हैं खबरों की ओर। बसंती पूजा शिल्पांचल में मनाया जा रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से यह त्योहार नहीं मनाया जा सका था। इस बार भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छोटे बजट में विभिन्न क्लब ने पूजा किया। पेश है चंद झलकिया। সতীর্থ ক্লাবে আমাদের এবছর 44 বছরে এটা পুজো। আমরা প্রত্যেক বছরই করি। আগের বছর করোনার জন্য আমরা করতে পারিনি, আর এবছর আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে তারপরে খুব ছোট করেই পুজোটা করেছি। আর আগামী দিনে আরও ভালো হোক, সবাই যেন সুস্থ থাকে, ঠাকুরের কাছে এটাই কামনা করি যে কোভিড এতে যেন আর কোনো মানুষের যেন কারো কিছু না হয়, সবাই এটাই প্রার্থনা। এবং সবার কাছে এ করে আশা করি যেন সবাই ভালোভাবে থাকে, সবাই ভালোভাবে চলে। আগামী দিনে যদি সবাই সুস্থ থাকি, ভালো থাকি, তো আমাদের এই পুজো আরও ভালো করে আরও ভালোভাবে আমরা দেখাতে পারবো। করতে আমার নাম মণি ব্যানার্জি। इस ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरविंदर सिंह ने कहा कि दुर्गापुर निवासी भाजपा युवा नेता जीत चक्रवर्ती ने कुछ दिनों पहले सिख समाज का पवित्र निशान खंडा साहिब गले में पहनकर सोशल मीडिया में एक अश्लील वीडियो जारी की थी। उन लोगों की मांग है कि उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज हो और सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस विषय पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आसनसोल भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया था। नमस्कार, आज हम लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बर्नपुर और सिख समाज की तरफ से हम लोग आज अपने ऑनरेबल कमिश्नर साहब के पास एक डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। जो पिछले 6 तारीख को दुर्गापुर में एक घटना घटी थी, जो वहाँ का अपना सिटी सेंटर का रहने वाला जीत चक्रवर्ती, जिसने हमारा एक पवित्र निशान खंडा साहब पहन के गले में जो अश्लील वीडियो वायरल की थी पूरी सोशल मीडिया में, उसको लेकर हमने जो पीछे कंप्लेन दी थी इलेक्शन कमिश्नर को और पूरे पुलिस प्रशासन को, तो उस पर हमने देखा कि अभी तक कोई इंक्वायरी या कोई एक्शन नहीं हुआ। इस करके आज हम लोग दोबारा फिर से CP साहब को डेपुटेशन देने के लिए आए हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी धर्म को लेकर इस तरह की अश्लील हरकत करता है तो उसे इस तरह से खुला सांस लेने के लिए शहर में नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि वो इससे भी बड़े फिर दूसरे किसी धर्म के भावना को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी जो पुलिस प्रशासन है उस इंसान के ऊपर में FIR दर्ज करके उसके ऊपर में केस लॉन्च करें और उसे हजरत के हवालात के पीछे में डाला जाए। ये हमारी मांग थी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के पास, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। अगर इसके ऊपर जितनी जल्दी अगर कार्रवाई नहीं होगी प्रशासन के तरफ से, तो आज 20-25 लोग हम लोग आए हैं, इससे फिर आने वाले समय में इससे भी बड़ी तादाद पूरे सिख समुदाय को लेकर हम लोग इससे भी बड़ा डेपुटेशन फिर रास्ते के ऊपर में देंगे अपने CP साहब को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का मैं महासचिव हूँ। क्योंकि तृणमूल के 10 सालों में जिस तरह से माफिया राज हावी रहा, जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव किया ममता बनर्जी ने, तो अब असल में परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है। ये बातें निरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस अवसर पे कई नौजवान BJP में शामिल हुए। कृष्णा प्रसाद, दिग्विजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। विक्रम भगत, संदीप जी भगत युवा रक्त मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं। अपने 40 युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज हमारे सभी नेतागण उनका स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कृष्णा प्रसाद जी, शंभु यादव जी,
सुदीप पांडे जी, दुर्गेश जी, हम सभी लोग उनका भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। मित्रों, आप जैसा देख रहे होंगे, कल प्रधानमंत्री जी आए थे, कल माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। उनके आभा मंडल के प्रकाश में भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल आलोकित हो रहा है। आज स्थिति यह है कि तृणमूल अब लगभग समाप्ति की ओर जा रही है, कार्यकर्ता विहीन पार्टी होने जा रही है। किसी शायर ने कहा ना कि आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, फंदे में फंसना चाहो तो जाओ दाम की तरफ, खुशियां जो चाहो जीवन में तो आओ फूल की तरफ, और गलते से भी अब न जाना तृणमूल की तरफ। चुनाव लगभग अपने अंतिम चरण में है और जैसा जनता का रुझान आप देख रहे हैं, जैसा कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि राणबंग जोन में खासकर दुर्गापुर आसनसोल इलाके में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तृणमूल से पूछोगे वो तृणमूल की कहेंगे, भाजपा से पूछोगे वो भाजपा की कहेंगे, आप तो जनता से पूछो। आप मीडिया के लोग हैं, आप खुद एनालिसिस करो। आम आवाम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है, क्योंकि तृणमूल की सरकार में जिस तरह से 10 साल तक भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य किया ममता बनर्जी ने, जिस तरह से 10 साल तक पश्चिम बंगाल में माफिया राज हावी रहा, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी नौजवानों के अंदर, तो अब आमूलचूल परिवर्तन पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। और नौजवान तो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, नौजवान तो मनसावाचा कर्मणा अब भाजपा के साथ आ गया है। विश्व के अंदर जब भी परिवर्तन आए हैं, बड़े हों या छोटे, जिधर नौजवान चला है उस ओर ही परिवर्तन आए। किसी शायर ने कहा है कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। एक जुनून है नौजवान के अंदर, एक जज्बा है, एक जिद है नौजवान के अंदर इस बार परिवर्तन की, और ये जुनून और ये जज्बा और ये जिद पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन आएगी। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लाय घटक को जोड़ा पुल में वोट देकर विजय बनाए। एसएससी बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, चिटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें, 03412253223 एंड 8207297826।
वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ापुल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहा, क्योंकि नॉनवेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना, गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आइंदा असेंबली इंतखाब में ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाने की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में बस यात्रियों और आम जनता के बीच मास्क बांटे गए। राजू अहलुवालिया ने कहा कि हमने बस चालकों, खलासी और कंडक्टर से भी कहा है कि ज्यादा यात्रियों को सवार ना किया जाए और सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। लोगों के दरमियान जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम किया गया। पहन लीजिए, ना अच्छा के लिए तो दे रहा है, इतना भी तो कोई देने वाला है तो सरकार भी नहीं दे रहा। बोलिए, कोरोना वायरस की चरम सीमा पर है, इसलिए हम लोग जो हैं फिर से लोगों को जागरूक करने के लिए आज उतरे हैं। लोग जो हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना चला गया। लोगों को हम लोग बोले हैं कि बस में चढ़ने से पहले आपको मास्क पहनना होगा। हम लोग अपना ड्राइवर कंडक्टर खलासी उनको भी हम लोग आवेदन किए हैं कि कोई भी यात्री को चढ़ाएंगे तो साथ ही साथ उनको देखेगा बिना मास्क वाले लोगों को ना चढ़ाएं और डिस्टेंस का पालन करें, एकदम भीड़ ज़्यादातर गाड़ियों में ना लें और दूरी मेंटेन करें। सबसे पहला बात है अपनी भी सुरक्षा रखनी है और दूसरे जो यात्री हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करनी है। इसके लिए यात्रियों से एवं हमारे तमाम कर्मियों से अनुरोध है कि आप लोग मास्क पहन के घर से निकलें, समय समय पर हाथ धोएं ताकि हम लोग कोरोना वायरस को हरा सके। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।